हेलो रेडमी नोट फोर यूजर्स, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज यहाँ पे लेके हाजिर हो चुका हूँ, जो कि MIUI 11 का MIUI रूम की ओर से। जी हाँ, ये काफी ज्यादा स्टेबल है और काफी ज्यादा बेस्ट है बाकी अदर रूम्स के मुकाबले। तो कुछ चीज अक्सर सेम कमेंट करते हैं कि भाई हर वीडियो में हर रूम को आप बेस्ट बताते हो, तो भाई खराब कौन सा है। तो मैं आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ये भी कर दूंगा कि मैं हर वीडियो में बहुत सारे रूम्स को मैं बेस्ट की कैटेगरी में क्यों रखता हूँ, उसका रीजन क्या है। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहे और मेरी बातों पे ध्यान दे, अदरवाइज आप कहोगे भाई फिर से बेस्ट का नाम ले लिया, तो भाई खराब कौन सा है, सारे तो बेस्ट ही बताता है, तो खराब है आखिर कौन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1x1 करके इसके फीचर्स और बाकी चीजों के बारे में, क्या कुछ हमें फिक्स्ड मिलता है। तो सबसे पहले हम स्विच करेंगे इसके अबाउट के सेशन पे, और मैं चाहूंगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो पसंद आती है, इन्फो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, और आपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइबर लाइक्स और व्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे इस नए सेकंड चैनल के ऊपर। तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है MIUI 11 का MIUI रूम, जो कि 11.0.5 के ऊपर बेस्ट है, यानी एक स्टेबल बिल्ड है। जी हाँ, इसके नंबर से ये एक स्टेबल बिल्ड है, लेकिन क्या इसका नाम स्टेबल है या फिर रियली में स्टेबल बिल्ड है वो हम आगे देखेंगे, और ये बेस्ट है तो कितना बेस्ट है और हर वीडियो में बेस्ट का जिक्र क्यों करता हूँ आगे देखेंगे। ओके, यहाँ पे एंड्रॉइड 9 का आपको सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही 2019.10.5 का सिक्योरिटी पैच रखा गया है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है, 4G वर्जन है, और यहाँ पे लीनेज ओएस का जो किर्नेल यूज किया गया है, तो भाई ये जो किर्नेल है ना काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल मैं मॉर्निंग से यूज कर रहा हूँ, तो क्या बैटरी डिटेल है मैं आपको है जो यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आई क्यू बढ़ते हैं तो सारे MIUI 11 वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि 100% वर्केबल है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है MIUI 11 के फीचर्स के ऊपर, लेकिन जो डाउटफुल फीचर्स होते हैं अक्सर पोर्ट रोम में उसके ऊपर हम नजर डालेंगे कुछ नए फीचर्स के ऊपर। और पहले चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि डिस्प्ले ऑन जो आता है फुल स्क्रीन जेस्चर्स का जो फीचर्स वो यहाँ पे इनेबल नहीं है, तो आपको बिल्ड प्रोप एडिट करके इनेबल करना होगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया था कैसे इनेबल करना है, तो आप चाहते हो इनेबल करना तो कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो LED लाइट है हार्डवेयर का, ये आपको फिक्स्ड मिलता है, यानी वर्किंग है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। उसके बाद सेकंड में आते हैं होम स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे रेगुलर और साथ साथ ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐप ड्रॉअर का मैं अलग से वीडियो दूं, यानी ऐप ड्रॉअर लॉन्चर का, ताकि आप किसी भी MIUI के रोम के ऊपर ये इनेबल कर पाओ, तो कमेंट जरूर करना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है बैकग्राउंड सिस्टम, जैसा कि पोको लॉन्चर में मिलता है, तो आप मैनेज कर सकते हो ब्लैक वगैरह, और इनर लेआउट या फिर ABCD के लेआउट में आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमें पोको लॉन्चर में मिलता है। साथ साथ इसके आइकन को कितना लार्ज करना है, कितना स्मॉल करना है, ये भी आप जो यहाँ पे मेंटेन कर पाओगे, तो ये भी सेम टू सेम पोको लॉन्चर से ऐसा देखने को मिल जाता है। तो भाई MIUI का पुराना है जो बीमारी है कि हर बार अपने ही डिवाइस को अपने ही फीचर्स को किल करता है और फिर से नया जनरेट करता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐप वैलेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम वगैरह और स्क्रीन लेआउट जो कि 6:7 तक है जो रखा गया है। तो मुझे ऐप ड्रॉअर ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं रेगुलर पे आ जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने रेगुलर कर दिया अगेन। अब आता है सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो कुरियर का जो ऑप्शन मिलता था ये हमारा रिमूव्ड है। यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल एक और दिया गया है ब्लूटूथ का, क्योंकि अभी मैं फिलहाल ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रखा हूँ, तो क्या वर्किंग है क्या नहीं वो भी देख लेंगे। लो बैटरी का प्रोफाइल मिल जाता है, यहाँ पे आपको टैब टू साइलेंट मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग्स में आपको टैब और डिलीट और बाकी आपको जो स्क्रीन शॉट वगैरह के साउंड्स देखने को मिलते हैं, उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। थीम के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक 100% वर्किंग है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और जो गुडिक्स वालों को प्रॉब्लम आई थी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे गुडिक्स का भी परमानेंट है जो फिंगरप्रिंट फिक्स कर दिया गया है, बट मेरा FPC है तो गुडिक्स यूजर्स वाले आपको कभी प्रॉब्लम आई है किसी भी रोम में फिंगरप्रिंट को लेकर, तो आप इसे यूज करो और मुझे बताना कि हाँ आपका भी वर्किंग है या फिर बग है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट फिक्स्ड कर दिया गया है। तो भाई आप जरूर मेंटेन कर देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपका गुडिक्स है और आपका वर्किंग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। बैटरी प्रोफाइल में आपको मिल जाता है बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेविंग ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर, और बैटरी यूज की बात करें तो यहाँ पे मैं दिखा दूं कि वॉइस कॉल किया गया 1 hour 13 minutes तक, और डिस्प्ले ऑन टाइमिंग हमारा रहा है 2 hours 27 minutes। यहाँ पे आप 1 hour को ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं रहता है। जी हाँ, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 hours 30-40 minutes तक है जो डिस्प्ले ऑन टाइमिंग एक्यूरेट मिला, अगर कॉल को हम मिक्स कर देते हैं स्क्रीन ऑन टाइमिंग में। और बैटरी परसेंटेज मेरी आ चुकी है यहाँ पे करीब करीब वो है 55%। मैं आपको दिखा देता हूँ बैटरी परसेंटेज कहाँ पे, तो ये हमारा बैटरी परसेंटेज 55%। और मेरा GPS जो परमानेंट ऑन है मॉर्निंग से ही, तो GPS ऑन पे काम चल रहा था जिसकी वजह से बैटरी थोड़ी और एक्स्ट्रा गिरी है, बट मुझे बैटरी काफी अच्छा लगा है अब तक का। ओके, स्क्रीन ऑन टाइमिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, गेम ड्राइवर बिल्कुल ही लेटेस्ट आपको मिलता है,
आप अपना एमआई अकाउंट लॉग इन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे शेयरिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो वॉलपेपर कर्सर जो ऑनलाइन फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है ये आपको थोड़ा ओल्ड टाइप का देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ही लेटेस्ट नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आपको जो मैक्सिमम ब्राइटनेस कॉल मिल जाता है कॉलिंग के टाइम पे, रीडिंग मोड आपको यहाँ पे फिक्स्ड मिलता है तो ये काम करता है। डार्क मोड भी यहाँ पे परफेक्ट वर्केबल है, कोई भी इशूज नहीं आते, आप डार्क मोड वगैरह यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगा। यूज न्यू MIUI फॉन्ट, ये फीचर्स हमेशा ही मुझे बगी मिला है, मुझे पता नहीं आता है कि ये काम करेगा या नहीं, क्योंकि अब तक जितने भी टेस्ट किए हैं सब में मुझे बगी मिला है। सिर्फ यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल में हल्की सी चेंजिंग देखने को आती है जब भी मैं इसे ऑन या ऑफ करता हूँ, तो इसके अलावा कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। स्टेटस बार में वही रॉ एंड कॉलम मेंटेन कर पाओगे, बाकी स्पीड मीटर वगैरह, हाइड आइकन, अलार्म, ब्लूटूथ देखने को आपको मिल जाता है। अब आगे की ओर आते हैं डायरेक्ट होम स्क्रीन पे, क्योंकि सारी चीजें मैंने शो कर दिया है। यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप जियो से कॉल कर सकते हो और साथ साथ जियो की वीडियो कॉल भी आप यहाँ पे कर पाओगे। जी हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि आप जियो की कॉलिंग और वीडियो कॉल जो कि परमानेंट फिक्स है और ब्लूटूथ का यूज करके आप जो कॉलिंग वगैरह भी जो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यानी आपका बीटी कॉलिंग और म्यूजिक लिसन परमानेंट यहाँ पे फिक्स्ड है, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। कैमरे की ओर आते हैं तो हर बार की तरह इस बार भी आपको पोर्ट्रेट का बग मिलता है, क्योंकि पोर्ट्रेट तो भाई आज तक फिक्स हुआ नहीं है, पाई पोर्ट या ऑडियो पोर्ट हो तो यहाँ पे इसका भी बग है। लेकिन आप वीडियो शूट कर सकते हो जो कि 4K सपोर्ट करता है 30fps में, और 1080p में भी आपको मिलता है और 720p भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वर्किंग है वीडियो का, इसमें कोई भी इशूज नहीं आता है। रही बात पोर्ट्रेट पिक्चर क्लिक करने की, तो आपको जीकेएम यूज करना होगा। जीकेएम की ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं यूज किया है तो आप देख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे जीकेएम यूज कर सकते हो पिक्सल 2 या पिक्सल 3 का, और मजे से है जो आप पोर्ट्रेट वगैरह है जो क्लिक कर पाओगे। ये आपको रूटेड मिलता है, तो आप अगर अनरूट यूजर्स हो तो यहाँ से अनरूट कर सकते हो, बट बहुत सारे यूजर्स को जो बूट लूप देखने को मिलता है तो आप अपने रिस्क पे यहाँ अनरूट करना, अथवा आप मुझे ब्लेम करोगे कि अनरूट करने को बोला और मेरा बूट लूप चला गया, झूठ बोलता है, ऐसा वैसा वैसा वैसा, ठीक है, तो आप अपने रिस्क पे अनरूट करना। यहाँ पे जो अनरूट का स्कोर है अब तक का सबसे बेस्ट स्कोर मैं कहूंगा पाई पोर्ट पे, क्योंकि जितने भी अभी तक स्टेबल रोम आए हैं या फिर डेवलपर्स के रोम आए हैं बीटा रोम, उन सभी में से सबसे बेटर स्कोर हमें यहाँ पे देखने को मिला है अनरूट का, जो कि 8276 का है, और कलर बूस्टेड आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, तो गेमिंग में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कलर काफी ज्यादा एनहेंस किए गए हैं और GFX टूल लेके आप और ज्यादा ग्राफिक्स को इम्प्रूव कर पाओगे या फिर बिल्ड प्रो को एडिट करके, जो कि मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो कोई भी इशूज इनमें देखने को नहीं आता है। बैंकिंग का ऐप 100% वर्केबल है, कोई भी इशूज नहीं है, और ये जो है PMUI 10 जो कि स्पाइडरमैन के वॉलपेपर के साथ आता है, जिसे मैं अभी फिलहाल अप्लाई कर रखा हूँ, तो यहाँ पे काम करता है आपका थीम स्टोर भी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है थीम स्टोर में। यानी आपको सब कुछ फिक्स मिलता है, वीडियो कॉल, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, और साथ ही साथ आपका रीडिंग मोड और पोर्ट्रेट वगैरह आप जीकेएम के थ्रू फिक्स कर पाओगे। तो यहाँ पे बग के नाम पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और पबजी भी आप आसानी से प्ले कर पाओगे, बैटरी भी आपको काफी दमदार देखने को आपको मिल जाता है। GPS वगैरह भी 100% वर्किंग है, तो आप बैंकिंग के ऐप, गूगल पे वगैरह यूज कर पाओगे, GPS भी यूज कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं आती है। तो मैं इसलिए इसे कहा कि अब तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बग के नाम पे नन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट पे, जैसा कि मैं हर रूम की रिव्यू में कह देता हूँ बेस्ट रूम है तो उसकी रीजन क्या होती है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। रोम के रिव्यू कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आप जानना चाहते हो कि मैं बेस्ट क्यों कहता हूं तो वीडियो को आगे वॉच करते रहें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे टेक ऑफिस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन इनेबल कर ले, और ये टेक गेम जिसपे आप अभी रिव्यू वॉच कर रहे हो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इनेबल कर ले, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और इसका Redmi 4 और Redmi Note 4 की वीडियो मैं यहाँ पे देता हूँ। चलिए आते हैं कुछ बेस्ट रोम के ऊपर, जो कि मैंने आपको पहले ही पोस्ट किया है Redmi Note 4 के लिए, और ये सब वीडियोज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना। ठीक है, यहाँ पे Redmi 4 की भी वीडियोज है, और आगे आते हैं, ये रहा हमारा MI रूम, तो इसमें छोटी मोटी कमियां थी तो इसलिए मैंने इसे बेस्ट नहीं कहा था। नीचे की ओर आते हैं तो हमारा और भी मिल जाता है Redmi Note 4 का, तो नीचे की ओर स्वाइप करते हैं किधर गई वीडियोज, ये रहा हमारा पिक्सल एक्सपीरियंस जो कि इसे भी मैंने बेस्ट कहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा और आ जाता है किधर गया MIUI Pro, इसे भी मैंने काफी अच्छा कहा था, इसे भी काफी अच्छा किया था, जो कि टेक ऑफिस पे है। अब आते हैं अधिकतर वीडियो जो मैंने प्रोवाइड किया है अपने टेक गेम के ऊपर, उसके ओर चलते हैं। ठीक है, बोर होने की जरूरत नहीं है, आपको डिटेल चाहिए कि मैं क्यों कहता हूं तो ये चीजें
आपको लिसन करनी होगी केयरफुली, ठीक है। तो ये रहा हमारा MIUI का, यहाँ पे भी MIUI का है जो कि एक स्टेबल बिल्ड है। इसे भी मैंने बेस्ट रोम कहा था कि काफी परफेक्ट है। रीजन ये है कि इतने सारे जो रोम आते हैं, इनके पहले मैंने बहुत सारे रोम्स की रिव्यू दी है, तो इनमें जितने भी मैंने रोम का रिव्यू दिया उनमें से सबसे बेटर रिस्पॉन्स और स्टेबिलिटी मुझे इस रोम में देखने को मिला, इसलिए मैंने इसे बेस्ट कहा। इसके बाद टेक ऑफिस में मैंने वीडियो लिया, उसमें भी काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिली एज कम्पेयर टू इस रूम को, इसलिए मैंने उसे बेस्ट कहा। अभी ये फिलहाल मैं इस रूम के रिव्यू किया हूँ जो कि MI रूम का है, स्टेबल बिल्ड है, जो कि इसे काफी ज्यादा फिक्स्ड है, सब कुछ बग के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो इसे मैं फिर से बेस्ट कहने वाला हूँ। यानी अभी फिलहाल के लिए ये बेस्ट था, उसके बाद टेक ऑफिस आया वो बेस्ट था, अब ये बेस्ट है, तो तीनों बेस्ट है। बट अभी जो सबसे लेटेस्ट रोम है ये बेस्ट है और ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इन रोम के मुकाबले। इसलिए जब भी कोई रोम आती है प्रीवियस जितने भी रोम आए उनसे ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है तो वो बेस्ट की कैटेगरी में चला जाता है। तो आप ये वीडियो वॉच करोगे, इसमें मैंने वेस्ट का जिक्र किया है, उसकी वीडियो अगर आप वॉच करो तो उसमें मैंने वेस्ट का किया है, टेक ऑफिस में मैंने वेस्ट बोला है। तो आपको भाई सब रोम को बेस्ट कहा है, वो इसलिए क्योंकि वो पहले की रोम थी और जब तक वो लॉन्च हुई थी, जब तक वो आया था हमारे हाथों में यूज करने के लिए, तो उसके प्रीवियस वाला जितने भी रोम थे उसे वो बेटर था, इसलिए मैंने उसे बेस्ट कहा। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आया वो भी बेटर रहा, तो इसलिए मैंने उसे भी जो बेस्ट का जिक्र किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेटर है और ये सबसे खराब है, बट इससे थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स हमें इसका देखने को मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों बेस्ट है, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक हो गया सबसे लेटेस्ट रोम, एक थोड़ा सा हो गया ओल्ड बिल्ड के साथ, थोड़ा सा ओल्ड फीचर के साथ, लेकिन दोनों बेस्ट की कैटेगरी में। तब डिसीजन आपको लेना है कि थोड़ा ओल्ड वाला रोम यूज करना है बेस्ट वाला, या फिर सबसे लेटेस्ट वाला बेस्ट रोम यूज करना है। इसी की वजह से मैं अधिकतर वीडियो में कहता हूँ कि ये बेस्ट है, फिर वो बेस्ट है, फिर वो बेस्ट है। तो आप तो ये नोटिस नहीं करते कि वीडियो कब लॉन्च हुई है, कब मैंने बेस्ट का जिक्र किया है। डायरेक्ट आप कहते हो भाई हर वीडियो में बेस्ट रोम बता देते हो, तो हम कौन सा यूज करें। तो डिसीजन तो आपको लेना है, आपका फोन है, आपका डेटा है, आप इंटरनेट खर्च कर रहे हो, आप यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं टेस्ट करता हूँ और जितने भी प्रीवियस रोम के मुकाबले बेटर रिस्पॉन्स जिसका मिलता है मैं उसे बेस्ट की कैटेगरी में डालता हूँ। तो आप उनमें से किसी भी एक बेस्ट रोम को उठाओ और यूज करो, आपको बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इन्फो अच्छी लगी है तो फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो भी आपके क्वेश्चंस या कमेंट्स है उसका आप जो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो शेयरिंग करने के लिए, अपना ओपिनियन बताने के लिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास और स्पेशल लेकर, हो सके तो फिर से बेस्ट रूम लेके हाजिर होऊंगा, या कुछ कमी मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता के हाजिर होऊंगा कि हाँ ये थोड़ा सा कमी है, आप प्रीवियस वाला यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू दिस रूम। तो ऐसा भी मैं अधिकतर वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।